पहली चीज तो ये कि ग्राम पंचायत के स्तर पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ना नहीं होनी चाहिए। नेचुरली मैं कहूँ तो इस पद को आप नॉन पॉलिटिकल रखो। पॉलिटिक्स करने के लिए एमपीएमएलए बहुत है, असेंबली में और संसद में बहुत पॉलिटिक्स होती है। मैं सबसे पूछता हूँ ईमानदारी से, हाथ खड़ा करके बताओ, जो 5 साल का कार्यकाल है, क्या आप उससे संतुष्ट हो? संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट हो? तो जो आपको कैंडिडेट बेस्ट लगता है, मैं अपने लिए हर कैंडिडेट आपसे जाके हाथ जोड़ेगा, नमस्ते करेगा, वोट मांगेगा। मैंने अब तक ये कहा है, मैं जब जब बोलता हूँ कि मैं आपसे वोट का राइट आदमी के पास रखता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर मैं 4 में बेस्ट कैंडिडेट हूँ तो आप मेरे समर्थन में आओ। अगर मुझसे कोई बेस्ट लगता है जो आपको ज्यादा बेहतर चीजें दे सकता है ग्राम पंचायत के स्तर पे, उस ग्राम प्रधान का जो पद है उसके लिए ज्यादा योग्य, ज्यादा काबिल उम्मीदवार है, तो आप उसका चुनाव करो। लेकिन क्राइटेरिया ये होगा कि आप निष्पक्ष रूप से ये चीज देखो। अंत में 5 साल के बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट अगर कुछ ना है, मैं आपके बीच खड़ा हूँ, मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ, मेरा अपना काम है। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई इस वर्टिकल का मतलब एक हाईली एजुकेटेड बंदा यहाँ इस पद के लिए प्रत्याशी होगा। मतलब मैं प्रतिनिधि हूँ, प्रत्याशी माता जी है निश्चित रूप से, लेकिन प्रतिनिधियों को उनका बोल रहा हूँ। तो अल्टीमेटली हमारा ही ब्रेन पीछे होगा, चाहे वो कोई भी काम होंगे, हम ही काम को करेंगे। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जिन लोगों को आपने आज तक प्रधान चुना है, चुना तो आप ही लोगों ने निश्चित रूप से, आप वोट कर सकते हैं, तो वो व्यवस्था फेल हुई है। फेलियर सामने है कि आप और कितने लोगों को उसका फायदा हुआ है। मैं कुछ नहीं कह रहा, पूछो उनसे, तुम्हें वो बताएंगे। अगर उनके पास कोई भी उनका रिपोर्ट कार्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, तो बता देंगे वो तुम्हें, ठीक है। तो क्राइटेरिया ऐसा बनाओ कि 5 साल के लिए जिस इंसान का फोकस काम पे हो। पॉलिटिक्स, पहली चीज तो ये कि ग्राम पंचायत के स्तर पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ना नहीं होनी चाहिए। नेचुरली मैं कहूँ तो इस पद को आप नॉन पॉलिटिकल रखो। पॉलिटिक्स करने के लिए एमपीएमएलए बहुत है, असेंबली में और संसद में बहुत पॉलिटिक्स होती है, वो बहुत कनिंग पॉलिटिशियन होते हैं। ये बहुत छोटा सा पद है, 2700-2800 की हमारी वोटिंग है। एक नॉन पॉलिटिकल आदमी जिसका एजेंडा हो, जिसके पास काम करने का एक प्लान हो कि भाई कर क्या रहे हैं, करना क्या हमें 5 साल में, किस तरह से करना है, तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर हम इस क्राइटेरिया को आज नहीं चुनते हैं तो अल्टीमेट जो रिजल्ट है, जो अंत में रिजल्ट होगा, वो यही होगा जहां आज हम बैठे हैं। मैं सबसे पूछता हूँ ईमानदारी से, हाथ खड़ा करके बताओ, जो 5 साल का कार्यकाल है, क्या आप उससे संतुष्ट हो? संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट हो? तो उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, ठीक है। उस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, तो तुम्हारे पास फिर 4 विकल्प है। तुम ही वोटर हो, तुम्हारे पास 4 विकल्प है। जो बेस्ट हो, जो तुम्हें काम दे सके, जिससे तुम सीधे सीधे संवाद कर सको और बिचौलियों से मुक्ति दिला सके। ग्राम प्रधान के पास आने के लिए किसी भी आम आदमी को किसी बीच के आदमी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो सीधे सीधे संवाद कर सके, ऐसे आदमी को चुनाव करो, पहली चीज। दूसरी चीज, पहला संवाद है मेरे और आपके बीच, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के लोगों के बीच। दूसरा संवाद है ग्राम प्रधान और अधिकारियों के बीच। वो जो संवाद का लेवल है वो पूरा प्रोफेशनल टंग में होता है, वो इस आम भाषा में नहीं होगा। अगर किसी डीएम के पास वो अधिकार है कि उसके पास 10 लोगों के लिए योजनाएं अवेलेबल है, उसके अधिकार क्षेत्र में 50 प्रधान आते हैं, ठीक है, तो 10 काबिल लोग उससे वो योजनाएं ला सकते हैं। क्या आपके पास एक ऐसा प्रधान है जो किसी अधिकारी की आंखों में डाल के बात कर सकता है, उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकता है, उसको पता होगा कि हमारे पास योजनाएं क्या अवेलेबल है, मैं किस आदमी को कैसे फायदा दे सकता हूँ? ये सारी क्वालिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। और अब ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो आपको चुनना पड़ेगा निष्पक्ष रूप से। अपने जो पूर्वाग्रह है सारे उन्हें हटा के आप काबिल के हाथों में दो और 5 साल के बाद उससे रिजल्ट पूछना। फिर ये नहीं होगा कि भाई काम तो होता ही नहीं, कोई तो करता ही नहीं। अल्टीमेटली अगर आपका चुनाव सही नहीं होगा तो आपके सामने रिजल्ट भी वैसे ही, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि अगर मैं वैसे हूं तो मुझे सपोर्ट करो, सहयोग करो, मैं निराश नहीं करूंगा। और दूसरी चीज ये है कि जो ग्राम प्रधान का पद है, ग्राम प्रधान का पद को जिस तरह से पॉलिटिकली ड्राइव किया जाता है, उसकी जो निधि है उसका दुरुपयोग किया जाता है, उसको कमाने खाने का जरिया ना बनाने वाले आदमी को चुनो। कमाने खाने के जरिए मेरे पास अपने हैं, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। 1.5 साल 1.5 साल में इंग्लैंड रह के आया, करीब मैं 5 से 6 कंट्री घूम के आया, सब कुछ मैंने देखा है, वहां के गाँव भी मैंने देखे हैं, यहाँ के शहर सरमाया उनके गाँव में। तो क्या है कि वहाँ करप्शन बहुत कम लेवल का है, वहाँ लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो ये आपके पास फ्रीज नहीं पाया, आपकी इच्छा है चुनना बेस्ट चुनोगे तो 5 साल के बाद कुछ मिलेगा, नहीं चुनोगे तो अल्टीमेटली वहीं बैठे रहोगे, ताकत आपके हाथ में, बस अपने शब्दों का।
अपने पर्सनल हितों को अलग रखते हुए अपने समाज के लिए बार सोच लेते हैं सब लोग। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, चलो भाई हम पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं, आप लोगों के बीच से हम काफी अच्छी जगहों पे गए हैं। हम चाहते हैं कि एक बार हमें ये मौका भी मिले, ये जिम्मेदारी मिले कि बात आई, पर हम पूरे ऐसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ निभाएंगे, एक मौका हमें मिलना चाहिए। तो ये आपके पास आपकी इच्छा है चुनना चुनना तो लेकिन आपके पास विलेज होगा, बैच चुनोगे तो 5 साल के बाद कुछ मिलेगा, नहीं चुनोगे तो अल्टीमेटली वहीं बैठे रहोगे, ताकत आपके हाथ में, बस अपनी शब्दों को।